नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत ये सुंदर से हिबिस्कस फ्लावर के साथ। तो मेरे गार्डन में देखिए ढेरों हिबिस्कस के फूल खिले हैं आज, और इधर भी खिले हैं फ्रेंड। और ये देखिए कुछ गिलहरी ने तो एकदम ख़राब कर दिए हैं फ्रेंड। और इधर मेरे गिलाडिया के फ्लावर हैं जो बड़े ही अच्छे चल रहे हैं, और संध्या मालती भी है जो खिली है, और भीनी भीनी खुशबू आ रही है फ्रेंड। और ये मेरा जीनिया का है, और इधर मेरे कॉस्मोस जो हमेशा ही फ्लावरिंग पे रहते हैं, और ये मेरा आलमंडा है फ्रेंड। और इधर मेरा ये एक्जोरा है जिसका फ्लावर स्पेंड हो गया है, कट करना है। और इधर भी मेरा कॉस्मोस लगा है, इधर पेंटास के फ्लावर हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं अपने गुलदावरी के बारे में बात करूँगी, जो भी हमारी जो गुलदावरी है और जो हमने प्लांट सीडलिंग्स कटिंग से तैयार करे थे, तो इन सबको मैं आज फर्टिलाइज करूंगी। और जब इतनी हमारी ये बड़ी हो जाती है कटिंग, तो 5-6 इंच की तो हो ही गई है, तो इसको घना करना है। इसके लिए आपको ये थोड़ा सा टिप इसका कट करना पड़ेगा बस, और आप लगा भी सकते हैं इसको कटिंग से, लेकिन मेरे पास बहुत प्लांट हो गए हैं, थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि केयर करनी भी रहती है। और जब हम इसको कट कर देंगे तो इसकी देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बड़ी तेज़ी से इसका जो है न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं पहले का कट करी हूँ, तो देखिए इसकी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, और इसमें भी, तो इससे ये बहुत घना हो जाता है। और इसको मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी, तो इसके लिए इस कोई भी प्लांट को जब हम खाद देते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, जो भी हो, जब हम किसी प्लांट की कटिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं, तो उसको खाद भी डालना पड़ता है। और गुलदावरी को रेडी करने के लिए तो हमको अभी से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि विंटर का ये बड़ा अच्छा फ्लावर होता है। तो मैं अपने सभी प्लांट में इसको आज लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, और बताऊंगी वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिससे इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है, और इसके लिए बड़ा अच्छा है, और आप भी उसे ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड। तो मेरे पास जितनी है उन सब में मैं उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दूंगी। और मेरा जो एक स्कूप सा था वो पेचकस जैसा, वो नहीं मिल रहा था, मैं आज कैंची से ही गुड़ाई कर ले रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा है सरसों की खली जो मैं रात भर भिगो दी थी, और ये 1 लीटर में 100 ग्राम के लगभग है, और मेरे सभी प्लांट के लिए होगा। और इसमें कम से कम 10-12 लीटर पानी और ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ, और ये बिल्कुल पतला हो गया है। जो भी हम, क्योंकि हमारी जो अभी कटिंग है वो छोटी है, तो मैं बहुत हल्का ही इसका यूज़ करती हूँ। और इसमें सब चीज़ होता है जो हमारी ये सरसों की खली होती है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, सब चीज़ होता है इसमें, एक संपूर्ण आहार मानिए। और विंटर की फ्लावर के लिए तो वो बहुत बेस्ट है, तो इसे मैं अपने सभी प्लांट में डाल दूँगी, और ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो जब भी कोई आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो पहले गुड़ाई कर लीजिए, और उसमें उतना ही डालिए कि सिर्फ गमले के अंदर ही रहे, मिट्टी से बाहर ना आए, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे नीचे नहीं आना चाहिए फ्रेंड। तो जब हम किसी चीज़ में कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से मैं अपने सभी गुलदावरी में डाल लूँगी इसको फ्रेंड। और सिर्फ इसको आप मिट्टी में ही दीजिए, पत्तियों पे मत दीजिएगा, नहीं तो ये फिर पत्तियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। और जो भी नीचे इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हों, वो आप तोड़ दीजिए, नहीं तो मिट्टी में लग के फिर फंगस लगने का डर रहता है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें लीव्स ख़राब हो रही हैं, क्योंकि जब ऊपर ग्रोथ होती है तो नीचे की पत्तियाँ ख़राब होती जाती हैं। तो इसको आप हटा दीजिए, और मैं इन सब में भी गुड़ाई करके डालूंगी फ्रेंड। तो अभी तो मैं सिर्फ 2 ही 3 प्लांट में ही डाली हूँ। और जब हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आप करके देखिएगा, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होएगा, और बहुत जल्दी से ये तैयार भी हो जाती है हमारी गुलदावरी। तो हर इसको 15 दिन में आप 20 दिन में डाल सकते हैं, बस घोल जो बनाए थोड़ा पतला ही बनाए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सरसों की खली में
फर्स्ट फीडिंग डाली हूँ अभी। मैंने इससे पहले कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी थी क्योंकि मेरे यहाँ कटिंग लगाने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। बारिश के कारण बहुत सी मेरी कटिंग ख़राब भी हो गई, फिर मैं दोबारा भी लगाई हूँ। तो थोड़े ही प्लांट लगाई हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा ही गार्डन है, तो और भी विंटर के फ्लावर होते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से ही फ्लावर की जो कटिंग है वो लगाई हूँ। तो आप देखिए और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नमस्ते।